Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Welcome back, Nazreen. और बहुत ही मजेदार हनानीस चिकन जो है राइस तैयार हो रहे हैं इस वक्त. बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है. चिकन तैयार हो जाए उसके बाद जो सॉस हमने तैयार किया उसके ऊपर हम गार्निश करेंगे और उसके बाद हमने इसको सर्व कर देना है. और इस वक्त जो है चीज़ एंड चिकन एंड चीज़ स्क्वायर्स जो है वो तैयार हो रहे हैं. चीज़ मेरे पास जो है वो तैयार है. इसको हल्का सा पहले हम फ्राई करेंगे ताकि ये टाइट हो जाए. उसके बाद फिर इसको स्क्वायर्स में लगा कर इसको हमने फ्राई कर लेना. ठीक है, चलें जी. यहाँ हमारे पास ऑयल हल्का सा और इसमें बॉल्स डाल दिए. चीज़ के इस तरह के बॉल्स भी मिल जाते हैं और स्क्वायर में चीज़ भी मिल जाता है. उसके भी क्यूब्स काट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस पर लगा कर. ठीक है जी, यहाँ हल्का सा इसको फ्राई करना है हमने. इसी दौरान मैरिनेशन जो है उसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी वो हम आपके सामने तैयार करते हैं. सबसे पहले ये डिफरेंट टाइप, जैसे शाशलिक वगैरह बनाते हैं उससे ज़रा डिफरेंट टाइप की चीज़ें. मुझे उम्मीद है कि ये वाला स्टाइल भी आपको पसंद आएगा. इसको आप बारबेक्यू में, बर्गर में, इसको आप जो क्या कहते हैं इसको चपातियों में, पराठे में, हर तरह की चीज़ों में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, लंच बॉक्स के लिए बेस्ट चीज़ है. ठीक है, ये देखें हल्का सा कलर आ जाए. और इसी दौरान चिकन के छोटे क्यूब्स कटे हुए ये हमने इसमें डाल दिए कच्ची. और इसमें प्याज, ब्राउन प्याज आ गई थोड़ी सी. और इसके अंदर नींबू का रस, लहसुन चॉप, काली मिर्ची कुटी कुटी और नमक कम ही रखें, इसलिए कि हम इसमें सॉस वगैरह डालकर इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा ओवर, पहले से ही नमक ज़्यादा हो जाए तो फिर अच्छा सा नहीं बनेगा. ठीक है, ये हमने डाल दिया. और साथ में यहाँ हमारे पास ये बॉल्स जो हैं ये फाइनली तैयार हो रहे हैं. हल्का सा कलर आ जाए. इसके साथ हमने इस्तेमाल करना है टमाटर और इसमें हरी मिर्चें. ठीक है, और इसे भी मिक्स किया आपने. और इसके बाद ये आ गए बॉल्स. ठीक है, इसका ऑयल अलग कर लें. और इस बॉल को इसमें शामिल कर दें. ठीक है, ये हो गया फाइनली हमारा मामला हल. इसे आपने तमाम चीज़ों के साथ बहुत ही हल्के हाथ के साथ इसको आपने लगाया. और इसके बाद आपने लिए एक प्लेटर और इस प्लेटर के ऊपर पहले सारे बना लें, उसके बाद फिर इसे जो है फ्राई करें. ठीक है, इसमें आपने लिया हरी मिर्च. ठीक है, चिकन का पीस, टमाटर का पीस, फिर एक जो है इसमें आपने कॉटेज चीज का पीस, फिर इसके बाद एक हरी मिर्च और फिर एक चिकन का पीस. इस तरह से आप मुख्तलिफ तरीक़ों से तैयार कर सकते हैं. बहुत ही कलरफुल, मज़ेदार और टेस्टी सी चीज़ तैयार होगी. इसे हम पहले सारे बनाएंगे उसके बाद फ्राई करेंगे, इसलिए कि कभी भी होता है अक्सर कि हम एक एक करके डाल रहे होते हैं और वो बन रहा होता है, पता चला कि एक का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो गया और एक बहुत ही लाइट हो गया. तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, तमाम कलर एक जैसा होना चाहिए. ठीक है, इधर हम थोड़ा राइस को एक दो दफ़ा हिला जुला देते हैं. ठीक है जी, बहुत ही खूबसूरत धुआँदार राइस तैयार हो रहे हैं. ठीक है, और इस वक्त मैंने इसे थोड़ा सा आँच को कम कर दिया ताकि आराम आराम से राइस भी तैयार होते रहें और साथ साथ हमारा ये भी काम भी चलता रहे. ठीक है, इसे आप मैंने जैसे कहा फ्राई करने के बाद डायरेक्टली वैसे भी सर्व कर सकते हैं, और जैसे कि आप चाहते हैं बर्गर में डाल के सर्व कर सकते हैं. इसे आप इसको जो है हॉट डॉग बर्गर लंबे वाले आते हैं उसमें डालकर सर्व कर सकते हैं. इसे आप पराठों में रैप करके दे सकते हैं. इसे आप जो है चपातियों में रैप करके दे सकते हैं. लंच बॉक्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है ये, और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसे ट्राई तैयार करेंगे. इस तरह से हरी मिर्चें, ठीक है जी, कॉटेज चीज़, चिकन, ठीक है, फिर टमाटर. इस तरह से आप इसमें मुख्तलिफ चीज़ें
फिर एक टिक्का चिकन का पीस, लेकिन सारी चीज़ें बड़ी मज़ेदार सी हैं। फिर एक टमाटर का पीस, फिर इसमें एक हरी मिर्च, ये देखें इस तरह से स्टेप बाय स्टेप दो तीन तरीक़ों से आप इसे बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपने इसका कलर एक ही जैसे ही कलर रखना है, आप इसमें हरी मिर्चें भी लगा सकते हैं, हरी मिर्चें नहीं है शिमला मिर्च डाल सकते हैं, इसके अंदर जो है बंद गोभी को स्क्वायर्स में काट के लगा सकते हैं, प्याज इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से आसानी से आप एक खूबसूरत डिश तैयार कर सकते हैं, जो आपकी दावत होती है घर पे छोटी मोटी, उसके अंदर आप इसे सर्व करेंगे। तो ये वाले राइस, ये पूरा सेट है रशियन सैलेड के साथ, तो ये आपके पास एक पूरा कंप्लीट मेन्यू होगा, और जब आपके मेहमान आएंगे तो बहुत ही खुश होंगे कि हाँ वाकई मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हुई है। दोबारा से बता दूँ कि हमारा प्रोग्राम जो है रात में तकरीबन 1 बजे रिपीट होता है, और इसके अलावा ये जो है सुबह 10 बजे रिपीट होता है, उसे देख सकते हैं। अगर बाज़ लोगों को रेसिपी फौरी फौरी चाहिए होती हैं तो उसके लिए आप जो है हमारे फेसबुक पे जा सकते हैं, हमारा फेसबुक एड्रेस चल रहा होगा आज इंटरटेनमेंट का, उस पर आप जाएं, जाकर जो है आप उनसे रابطہ कर सकते हैं। कोई भी सवाल आपके दिमाग में हो कि यार ये चीज़ सही बनती नहीं है, मुश्किल होती है, तो इस तरह की चीज़ों के लिए भी आप हमसे रابطہ करें, और इंशाल्लाह हम आपको प्रोग्राम के दौरान या ईमेल पर जवाब भी देते रहते हैं, ठीक है। ये देखें खूबसूरत से कलर में, और इसे जैसे कि मैंने थोड़ा कुछ पीसेस छोटे भी रख सकते हैं, कुछ इसे थोड़ा हैवी भी बना सकते हैं, और बिल्कुल ही दो तीन चीज़ें लगाकर भी तैयार कर सकते हैं। बाज़ ऐसे लोग होते हैं जो इसे बच्चों को हम सर्व करते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, तो उसमें यह है कि आप इसके सिर्फ टॉप पर 2 से 3 पीसेस लगाएं ताकि वो ज़ाया ना करें, ठीक है। हमारे पास कॉलर है आसफा कराची से, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक भाई, मैं कराची से बात कर रही हूँ, आसफा। जी जी आसफा जी, मुझे है ना लौकी का हलवा बनाना सिखा दें। ठीक है, लौकी का हलवा इंशाल्लाह बिल्कुल बनाना सिखा देंगे, और कोई और? बस आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, मसाला चैनल से भी आपका प्रोग्राम आता था, जी 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 जी, वो भी बहुत अच्छा लगता था, मुझे भी लौकी का हलवा बनाना सीखना है। सीखना है बिल्कुल इंशाल्लाह, और इस मौसम में वैसे लौकी का हलवा लगता भी अच्छा है खाने में ना। जी ठीक है, तो आप मुझे बनाना सिखा दें। बिल्कुल बनाना सिखाएंगे, मैं इंशाल्लाह जल्दी इसको डाल दूंगा अपने मेन्यू के अंदर। कम से कम 2-3 हफ्ते लगते हैं, इसलिए कि हम 2-3 हफ्तों का मेन्यू जो है वो हम पहले से रेडी कर चुके होते हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। और आप देख रहे हैं इस वक्त कलर भी खूबसूरत सा कलर आ रहा है इसका, और इस तरह से आप अपने कलर्स को खूबसूरत, अच्छा इसके ऊपर सॉस बनाकर आप डाल सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म का, जैसे कि एक सॉस अभी मैंने तैयार किया है आपके सामने राइस के लिए, ये भी सॉस कारामद हो सकता है। इसके अलावा 1000 आइलैंड सॉस है, इस तरह के मज़े मज़े के बहुत सारे सॉस हैं जो आप ऐड कर सकते हैं अपने खानों में, ठीक है। और इसे आप मज़ेदार तरीके से तैयार कर सकते हैं, और बहुत ही इत्मीनान से बनाएं, जब भी कोई रेसिपी बनाएं जल्दबाजी ना करें, इसलिए कि बहुत ही महंगी महंगी चीज़ें हो गई हैं, कीमतें बढ़ते जा रही हैं और मुश्किलात भी बढ़ती जा रही हैं, तो इसलिए चीज़ों को ज़ाया होने से बचाने के लिए इत्मीनान से आराम से रेसिपी को नोट करें, और उसको उसी हिसाब से बनाएं जैसे कि बन रहा होता है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए बनाएंगे आप, तो आपका खाना भी वैसे ही बनेगा जैसे कि हमारे पास डिश तैयार हो रही होती है, ठीक है। चलें जी, यहाँ लास्ट 1-2 पीसेज और रह गए, इसे हम फ्राई करेंगे, और इतना ऑयल डालना है आपने फ्राई के लिए कि जितना इसमें डिप हो जाए, हाफ कम से कम हाफ जो है आपके इसको जो है वो डिप हो जाए, उसके बाद दूसरी तरफ एक दफ़ा पलटने, बस 2 दफ़ा में इसको आपने तैयार कर लेना है। ओवर कुक नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हैवी कलर नहीं देना है, इसलिए कि ज़्यादा आपने कुक कर दिया तो फिर वो चिकन के जूसेस जो है वो चले जाते हैं और बहुत सख्त हो जाता है, और सब्जियों का कलर भी ख़राब हो जाता है, ठीक है। चलें जी, ये हो गया फाइनली चिकन और कॉटेज चीज़, टमाटर, ठीक है जी, इस तरह से काफ़ी सारे बन जाते हैं ये, तकरीबन मेरे ख़्याल से मेरे पास 300 ग्राम के करीब चिकन होगी, और 2 हमने टमाटर लिए हैं,
8 से 10 हरी मिर्चें ली हैं और कॉटेज चीज़ एक राउंड में मिलता है कॉटेज चीज़, वो आप लेकर उसे स्क्वायर में काट लें, उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें लगाने के लिए जैसे कि मैंने आपको हरी प्याज भी बहुत ही खूबसूरत इसमें जाती है, तो हरी प्याज भी इसमें आप लगा सकते हैं। ठीक है जी, ये हम इसको तैयार कर रहे हैं और ब्रेक के दौरान इसे हम फ्राई भी करेंगे। टाइम हो गया ब्रेक का और वापस आकर देखेंगे कि हमारे राइस की क्या पोजीशन है। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। चिकन एंड चीज क्यूअर्स, अज्जा चिकन बोनलेस 250 ग्राम, कॉटेज चीज 250 ग्राम, मिक्स सब्जी 100 ग्राम, प्याज तली हुई 100 ग्राम, अचार 25 ग्राम, पिकल 25 ग्राम, केचप हस्ब जरूरत, मस्टर्ड हस्ब जरूरत, काली मिर्च कुटी हुई हस्ब जरूरत, लहसुन हस्ब जरूरत, नींबू का रस हस्ब जरूरत, तेल हस्ब जरूरत, नमक हस्ब जरूरत, बारबेक्यू स्टिक्स हस्ब जरूरत, बन 4 अदद। तरकीब, चिकन चीज और सब्जी पर काली मिर्च, नींबू का रस, प्याज, नमक और लहसुन लगाकर बारबेक्यू स्टिक्स पर लगाएं और गोल्डन फ्राई कर लें। अब इसे बन में डालें, अचार, केचप और मस्टर्ड पेस्ट से गार्निश करें और सर्व करें। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मजेदार रेसिपी तैयार हो रही है और इस वक्त गर्मा गर्म राइस जो है वो डिश आउट मैंने कर दी है। हनानियन चिकन राइस, ठीक है जी। हनानियन चिकन राइस बनाने के लिए तमाम चीज़ें हमने ऐड की, इसके बाद इसको तैयार किया खूबसूरत से कलर में पुलाव जैसा। ठीक है, इसमें इसलिए कि पुलाव जैसी खुशबू है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि इसमें हमने सोया सॉस वगैरह ऐड किया है और इसका एक ख़ास सॉस जो मैंने आपसे कहा था सबसे पहले हमने तैयार किया था वो अब ऐड करने जा रहे हैं इसमें। ठीक है, इस तरह से जब राइस तैयार हो चुके हों ऊपर से इसके साथ आप थोड़ी सी हरी चीज कोई गार्निश करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है जी, ये आ गया सॉस बहुत ही खूबसूरत कलर में। और यहाँ इसी दौरान हमारे जो हैं दूसरी रेसिपी भी तैयार हो रही है, चीज़ एंड चिकन स्क्वायर्स जो है वो तैयार हो चुके हैं और इसे मैं डिश आउट कर रहा हूँ। ओके, यस। और बाकी जो दोबारा से हमने डालना है, इतना ऑयल डालना है कि ये दोनों अतराफ से हाफ हाफ में डन हो गया। ठीक है जी, चलो ये भी आ गया। अब इस पे आपने थोड़ी सी खीरे की गार्निशिंग करनी है या फिर आप हरी प्याज भी डाल सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। अगर खीरा डालना है तो उसके लिए क्या करना होगा कि आपने इसे इस तरह से छुरी को थोड़ा सा आड़ा रखकर कटिंग करनी है। ठीक है, और ये देखें ये तैयार हो गया। और इसको जो है आपने ये लिया, जिस जगह पे हमने रेड डाला है उधर नहीं डालना बल्कि उसके अपोजिट में लगाना है। खूबसूरत डिश को आप खुद ही बना सकते हैं। ठीक है, और ये लास्ट दो चार पीस रह गए हैं, फाइनली इसको ऐड करते हैं। हमारे पास कॉलर हैं कोको मलिक जी। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा यूनिक नाम है आपका, कोको मलिक जी। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप भाई ठीक हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जी। हाँ जी, ये जो कुछ बनाया मैंने यानी कि पूरा देख नहीं सकी, ये ऊपर जो आपने ये डाला है क्या कहते हैं सॉस? हाँ, ये हनानियन चिकन राइस है ये। ठीक है, और इसके राइस अलग बने हैं, इसका सॉस अलग बना है, और पहले चिकन को हमने बॉइल करके इसकी यखनी निकाल ली थी वो हमने इसमें ऐड कर दी है। ठीक है जी, ठीक है। और थोड़ा सा अभी आप
एक बजे रात को वैसे रिपीट होगा, थोड़ा लेट रिपीट होता है, लेकिन आप देख सकती हैं। अगर जल्दी चाहिए आपको रेसिपी तो फेसबुक पर प्रोग्राम खत्म होने के बाद फौरन फेसबुक पर से भी आप इसे ले सकते हैं, आज इंटरटेनमेंट के फेसबुक पर। बस ये बार टेस्टी लग रहा है इसलिए मैंने ना हमारी कॉल यानी कि 15-20 साल बाद किसी टीवी पे मिली है। अच्छा, हाँ, ओह ग्रेट, आपने हमारे शो में पहली दफा कॉल की है? जी जी, वैसे किया, बहुत ज्यादा मिली पहली, फर्स्ट टाइम। अच्छा, खुश आमदीद आपको, और इसमें जरा रान को थोड़ा सा और खूबसूरत बनाकर इसको थोड़ा सा डिश आउट करें ताकि खूबसूरत लगे, ठीक है? ये हमारी रेसिपी जो है फाइनली तैयार हो रही है, और अब मैं आपको बताऊंगा कि ये एक और रेसिपी बर्गर के साथ आप कैसे सर्व कर सकते हैं, ठीक है? जी जी, जी। और बहुत ही मज़े मज़े की, आसान, और सारी चीज़ें आपके सामने मैंने की हैं ताकि आप इसे फॉलो कर सकें। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। जी नाज़रीन, तो यहाँ हमारे पास अब आ जाते हैं बर्गर की तरफ, और बर्गर को हमने हल्का सा सेक लेना है। अच्छा, इस मेरे पास इस अचार, जिसको हम अचार कहते हैं, हरी मिर्चें जो सिरके वाली होती हैं, इसको वैसे तो पिकल कहते हैं, ग्रीन चिली पिकल, या फिर आप इसको अचार भी कह सकते हैं, ठीक है जी। और इसमें जो खीरा होता है उसका भी अचार हमारे पास मौजूद है, सिरके वाला, ठीक है। ये दो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, मस्टर्ड पेस्ट और इसके साथ केचप, और इसे हम बर्गर में रख कर भी सर्व कर सकते हैं। कैसे करना है वो भी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है? और उसके साथ एक और मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है, वो है रशियन सैलेड। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज, आसानी से आप इसे घर पर तैयार कर सकते हैं। बर्गर के लिए हमारे पास राउंड हो या जो लंबे वाले बर्गर होते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि इसे हल्का सा सेक लें, ठीक है? एक तरफ आपने इसमें जो है मस्टर्ड पेस्ट लगाना है, एक तरफ जो है चिली गार्लिक सॉस लगाना है, और ये पिकल रखना है, और इसके साथ इसको सर्व कर देना। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार से जो है रेसिपी ये तैयार होती है, और इसे सर्व करने के लिए आपके पास एक प्लेट हो, और ये देख लें, हल्का सा इसको हमने सेक लिया दोनों तरफ से। एक मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, ताकि इस पे आपने नीचे बेस पे थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट लगा दिया, ठीक है, और इसके ऊपर आपने रखा जबरदस्त स्क्वायर, ठीक है, और इसके बाद आपने इसके ऊपर डाला चिली गार्लिक सॉस या केचप, और इसके साथ थोड़े से खीरे, सिरके वाला खीरा, सिरके वाली मिर्चें, और ये लगा दिए इसके ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे इसको हम सर्व कैसे करेंगे। जब आपको खाना हो बर्गर को तो हाथ से पकड़ के ही खाते हैं, इसको आपने ज़ोर से दबाया और डंडी को खींच लिया बीच में से, ठीक है जी। रेशमा फ्रॉम कराची, अस्सलाम वालेकुम रेशमा। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत है। और आप ये क्या बना रहे हैं आज भाई, इस टाइम भूख के टाइम आप बड़ा दिल खराब करते हैं। सॉरी सॉरी, कह रही हूँ भूख के टाइम आप ऐसी ऐसी चीजें सिखाते हैं कि दिल ऐसा चाहता है कि टीवी में से निकाल जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और कोई फरमाइश करना चाहेंगी? सॉरी, इंशाल्लाह दोबारा जरूर कॉल करिएगा। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा मजेदार बर्गर ब्रेक, और फिर वापस। चिकन एंड चीज क्यूअर्स, अज्जा चिकन बोनलेस 250 ग्राम, कॉटेज चीज 250 ग्राम, मिक्स सब्जी 100 ग्राम, प्याज तली हुई 100 ग्राम, अचार 25 ग्राम, पिकल 25 ग्राम, केचप हसब जरूरत, मस्टर्ड हसब जरूरत, काली मिर्च कुटी हुई हसब जरूरत, लहसुन हसब जरूरत, नींबू का रस हसब जरूरत, तेल हसब जरूरत, नमक हसब जरूरत, बारबेक्यू स्टिक्स हसब जरूरत, बन 4 अदद। तरकीब, चिकन चीज और सब्जी पर काली मिर्च, नींबू का रस, प्याज, नमक और लहसुन लगाकर बारबेक्यू स्टिक्स पर लगाएं और गोल्डन फ्राई कर लें। अब इसे बन में डालें, केचप और मस्टर्ड पेस्ट से गार्निश करें और सर्व करें।
वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज तैयार हो चुकी हैं और अब हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए रशियन सैलेड। इसमें हमने लिया दही और बराबर बराबर क्वांटिटी में ले लें दही ले लें और उसके अंदर मायनेज ले लें और क्रीम ले लें, तमाम चीज़ों को फेंट लें। इसके साथ काली मिर्च, नमक, चीनी, ये सिर्फ तीन चार चीज़ें जाएंगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं जाएगा। नमक, काली मिर्च कुटी हुई होनी चाहिए और चीनी होनी चाहिए, ठीक है। इसको आपने सारी चीज़ों को मिक्स किया, बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर बन जाएगा इसका। और इसमें आपने पास्ता बॉयल डाल दिया, ठीक है, मैकरोनी या पास्ता जो भी आपके पास मौजूद है। थोड़ी सी गाजर ले ली इसमें आपने और चिकन ले लिया, ठीक है, और इसके साथ आलू बॉयल्ड शामिल कर दिए इसमें। और इसमें सेब जो है वो छिलके के साथ इस्तेमाल कीजिएगा ताकि क्रंच इसका जो है वो रहे, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने इसको मिक्स किया अच्छी तरह से और इसे डिश आउट करना है। इसके ऊपर बॉयल्ड अंडे लगाने हैं और इसको सर्व कर देना है। दो चम्मचों की मदद से आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स किया, ज़बरदस्त सैलेड। और इसमें नमक सिर्फ मैंने चुटकी डाली है, इसमें नमक जो है वो थोड़ा ख्याल से डालिएगा। जब भी क्रीमी सॉस या कोई चीज़ बना रहे हो आप तो नमक जो है उसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा बुरा फ्लेवर आ जाता है इसका, ठीक है। इसे आपने डिश पर निकाल लिया और इसके ऊपर वाइट कलर है इसलिए ग्रीन इसके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। आप ग्रीन जो है ना इसके ऊपर आपने हरा धनिया या हरी प्याज, इसके साथ अंडे आगे और चलें जी लास्ट मिनट फाइनली ग्रीन कलर ताकि अच्छा सा लग जाए इसको जी। नाज़रीन तो ये थी आज की हमारी रेसिपी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और मैं चाहूँगा जाते जाते करीब से आपको तमाम रेसिपी दिखा दी जाएँ ताकि आप जो है इसको एंजॉय कर सकें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।